जब मैं बात करता हूं कि आपने आपका पैसा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए और उसने 15% सालाना देना चाहिए, तो फिर लोग पूछते हैं कि कहाँ करना, तो मैं बोलता हूँ म्यूचुअल फंड्स में करो, और वो भी ब्लू चिप म्यूचुअल फंड्स। तभी लोग पूछते हैं फिर और क्या क्या बोल सकते हैं आप म्यूचुअल फंड के बारे में, थोड़ा समझाइए। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है कि भाई कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। नंबर एक, तो भाई आप इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स जो है, मतलब इक्विटी लिंक म्यूचुअल फंड जो है, इनकम टैक्स में आपको 1.5 लाख तक का उसमें मुजरा मिलता है, तो वो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करो। वो 3 साल के लिए लॉक इन रहते हैं और उसमें आपका इनकम टैक्स बच जाएगा, और जो म्यूचुअल फंड बढ़ता है वो तो बढ़ेगा ही, और 3 साल के लिए लॉक इन रखना है आपको, और लॉक इन रखा हुआ है तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं कोई, नेचुरली वो लॉन्ग टर्म हो गया, तो उसमें आप इन्वेस्ट करना चाहिए। नंबर एक। नंबर दो, म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने के समय आपने देखना चाहिए कि वो निफ्टी 50 को बीट करने वाला होना, मतलब या हम निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करने वाला म्यूचुअल फंड होना। तो फिर वो भी देखना चाहिए कि निफ्टी 50 का जो म्यूचुअल फंड है उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि वो निफ्टी 50 को बीट करेगा या उतना तो भी कम से कम देगा, तो वो हमें देखना चाहिए। नंबर दो। नंबर तीन, आप NAV देखो म्यूचुअल फंड की, नेट असेट वैल्यू। और नेट असेट वैल्यू मतलब उसके पास में उसकी वैल्यू क्या है, कीमत क्या है उसकी, एक यूनिट की कीमत कितनी है। तो उसका बहुत ज़्यादा कीमत है उसकी, तो इसका मतलब बहुत अच्छा है, और बहुत कीमत कम है इसका मतलब बुरा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा बुरा इसमें कुछ नहीं है, कीमत ज़्यादा कम उसमें भी कुछ नहीं है। आपको ये देखना है कि NAV कितनी है और उसके पास में कितने असेट है, कितनी कौन से इसमें डाला हुआ है और कितना प्रॉफिट उसमें कमाया हुआ है। तो आपको NAV देखना है, और NAV अच्छी होना चाहिए और उसका रेशो भी अच्छा होना चाहिए। मगर आपने सिर्फ NAV के ऊपर ही देखकर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया नंबर तीन। फिर है कि आपने न्यू फंड ऑफर में डालना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्या होता है कि न्यू फंड ऑफर में 10 रुपये का 10 रुपये में मिलता है म्यूचुअल फंड, तो लोग बोलते हैं अच्छा ये बहुत कम पैसे का है और ये न्यू फंड ऑफर में डाल दो। जैसा IPO रहता है वैसा ये न्यू फंड ऑफर रहता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उल्टा ऐसा है कि न्यू फंड ऑफर में वो जो कंपनी है उसको फेवरेबल वो डालती रहती है, मतलब उसको फेवरेबल रहता है न्यू फंड ऑफर, ना कि इन्वेस्टर के। तो न्यू फंड ऑफर में तो उल्टा हमको मालूम ही नहीं है कि भाई ये कैसा मैनेज करने वाले हैं, कितना रिटर्न मिलेगा, कुछ डेटा अपने पास में है नहीं। तो न्यू फंड ऑफर में डालना वैसा रिस्की हो सकता है, अनलेस यू नो द बैकग्राउंड ऑफ द प्रमोटर्स, उसका मैनेजर कौन है, कौन मैनेज करने वाला है, फंड मैनेजर है ना, वो देखना जरूरी है। पांचवा जो है कि आपने म्यूचुअल फंड में हरदम SIP से इन्वेस्ट करना चाहिए। SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है वो सिस्टमेटिकली आप इन्वेस्ट करते हो, मतलब आपको 10,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करना है तो आपको 2,500 के 4 बार करो और वो 4 हफ्ते में करो, ताकि आपको महीने का एवरेज मिल जाएगा। ऐसा नहीं करना कि 10,000 उठाया एक बार डाल दिया, और वो 2,500 चार बार करते महीने में 4 बार, तो आपके 10,000 हो जाएंगे, और वो पूरा करते जाओ ताकि आपको उसका एवरेज मिलेगा। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि आपको 1 लाख रुपये गुताना है तो आपने उठा लिया और 1 लाख रुपये डाल दिए, नहीं ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उस दिन शायद मार्केट बहुत ज़्यादा होगा तो आपको बहुत महंगा मिलेगा म्यूचुअल फंड, और इसका मतलब होता है कि आपको यूनिट्स कम मिलेंगे। छठवां पॉइंट है कि आपने बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फंड इसमें डालना नहीं चाहिए। देखो लोग बोलते हैं नहीं नहीं आप 10-15-20 म्यूचुअल फंड में डालो, तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखो म्यूचुअल फंड जहाँ इन्वेस्ट करता है वो शेयर बहुत सारे कॉमन होते हैं। समझो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने वाला है तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के पास में वही शेयर रहेंगे जो HDFC के पास में, स्टेट बैंक के पास में, ICICI के पास में, सब तरह वही रहता है। मिड कैप वाले जो है म्यूचुअल फंड उसमें वही रहेंगे, और स्मॉल कैप में वही रहेंगे। तो आपने क्या करना है कि एक लार्ज कैप वाला लो, एक मिड कैप वाला लो, एक स्मॉल कैप वाला लो, एक मिक्स लो, ऐसे 3-4 म्यूचुअल फंड है तो आपको एवरेज सबका मिल जाएगा, आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, और आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अलग अलग म्यूचुअल फंड में रखने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है हर साल या हर महीने जैसा भी, तो आपने री इन्वेस्टमेंट प्लान में डालना है, मतलब जितना डिविडेंड देता है म्यूचुअल फंड वो री इन्वेस्ट करने के लिए बोलो, वो लेना ही नहीं है, ताकि उसका मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट होगा, फास्ट दिखाई देगा और आपका कंपाउंडिंग होते जाएगा। फिर सातवां है कि इंडेक्स म्यूचुअल फंड जो है वो हरदम अच्छे रहते हैं, बेटर रहते हैं देन द सेक्टर म्यूचुअल फंड। सेक्टर के कौन से रहते, फार्मा सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, मतलब वो सिर्फ फार्मा में ही करेंगे, ये बैंकिंग में ही करेंगे, ये मेटल में ही करेंगे, तो ऐसा न करते हुए आपको एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड लेना है। वो सब उसमें शेयर आ जाते हैं, टॉप शेयर 50 आ जाएंगे उसमें, और उसमें आपको
उसका एवरेज मिलते जाएगा, कभी कुछ ऊपर जाता है शेयर, कभी कुछ नीचे जाता है शेयर, तो उसका एवरेज आपको मिलके आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। आठवां पॉइंट, म्यूचुअल फंड जो है वो देखना है कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड इक्विटी शेयर्स में वहाँ डालना है हो तो वही म्यूचुअल फंड आपको लेना है, ना कि डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि वो म्यूचुअल फंड पैसा बैस से देता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में और कहीं बैस से दे रहा है, उसको फिक्स रिटर्न मिल रहा है और वो आपको दे रहा है, पास ऑन कर रहा है। तो डेट म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि वो आधा शेयर में डालता है, आधा लोन देगा, तो आपको उसमें ज़्यादा रिटर्न मिलता नहीं है। वो आपको हो सकता है कि 8-9% रिटर्न मिल जाएगा, तो आपको डालना ही है तो आप जो म्यूचुअल फंड इक्विटी में है उसमें डालो। कुछ म्यूचुअल फंड लिक्विड म्यूचुअल फंड है, मतलब आज डालो कल निकाल लो तभी चलता है, मगर उसमें 3-4% ऐसा मिलता है, एक दिन का भी रहा तो भी 3% बहुत ज़्यादा होता है, कभी कभी 2% मिल जाता है, तो उसमें भी डालने का नहीं है। हमको होना है इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए, डिविडेंड देने वाले नहीं यदि आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो, ताकि कंपाउंडिंग का एडवांटेज मिलता जाएगा। नवा पॉइंट है कि लमसम अमाउंट आपके पास में है तो आप एक ही दिन में वो मत डालो। समझो आपके पास में 1,00,000 रुपये है और आपको वो डालना है म्यूचुअल फंड में, तो आपने क्या करना है, 60% उसमें का निकालो और 60% आपने 10-10,000 6 महीने डालना है, 10-10,000 6 महीने, वो भी बैंक में रहो और बैंक में से उठाते जाओ और डालते जाओ, यानी आपको एवरेज मिल जाएगा 6 महीने का म्यूचुअल फंड का। बचे 40%, मतलब 40%, और वो 40% जो है वो अपने पास में बैंक में रखो। कभी भी मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, बहुत ज़्यादा डीप आ गया, 4,000 पॉइंट 5,000 पॉइंट ऐसा डीप आ गया एकदम, उस समय फटाफट वो 40,000 के म्यूचुअल फंड ले लेना है, ताकि उसमें आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा। तो ये रहे 9 पॉइंट्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। आपको वीडियो अच्छा लगा जो लोगों को शेयर करो, ताकि लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे और करीब करीब 12-15 रिटर्न का रिटर्न लेंगे। शुरू में आपको यदि मालूम नहीं है तो आपने आपके एजेंट के थ्रू ये करना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम नहीं है तो एजेंट बताएगा, भले वो महंगा पड़ता है एजेंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट, मगर एक बार आपको समझ में आ गया बाद में आप खुद कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग, मिलेंगे, बाय।